तो आप में से काफी ज्यादा सब्सक्राइबर मुझे मैसेजेस कर रहे हैं और ये पूछ रहे हैं कि आखिर आप कोई भी यामार 15 वर्जन 4 की वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहे अपने चैनल पर। आजकल वीडियो जो वायरल हो रही है अपकमिंग यामार 15 वर्जन 4 की, जिसमें के न्यू लुक्स एंड USD फोक्स देखने को मिल रहे हैं, तो इस बाइक की रियलिटी क्या है एक्चुअली में? क्या ये R15 वर्जन 4 है या कोई और मोटरसाइकिल है यामाहा की तरफ से? सो वेलकम टू मोटर रिव्यूज। आज बात करेंगे ऑल न्यू अपकमिंग यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन। फाइनली इंडिया में इसकी टेस्टिंग स्टार्ट हो गई है। कुछ दिन पहले ये कहा जा रहा था ये अपकमिंग यामाहा R15 वर्जन 4 की स्पाई लीक्स है, बट ये यामाहा R15 वर्जन 4 तो बिल्कुल नहीं है, ये मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ। ये बाइक है ऑल न्यू यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन। मीडिया न्यूज़ ने भी ये कन्फर्म किया है कि ये बाइक यामाहा R15 वर्जन 4 नहीं है। यामाहा R3 BS4 को डिसकंटिन्यू कर दिया गया था 2020 में, बट यामाहा फिर से दोबारा इस बाइक पे वर्क स्टार्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही जल्द इस बाइक को इंडिया में लॉन्च करा जाएगा। अपकमिंग R3 नेक्स्ट जनरेशन में यामाहा ने काफ़ी न्यू चेंजेस करे हैं। मैकेनिकल चेंजेस के साथ इस बाइक में आपको कॉस्मेटिक चेंजेस भी देखने को मिलेंगे। सो अपकमिंग यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन में आपको क्या कुछ न्यू चेंजेस देखने को मिलेंगे, फीचर्स इस बाइक के साथ क्या कुछ ऑफर करे जाएंगे एंड इस बाइक का इंडिया में लॉन्च कब होगा, डेली अपडेट के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी DM कर सकते हैं अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है बाइक के रिलेटेड। तो चलिए आज का रिव्यू हम स्टार्ट करते हैं। ओवरऑल डिज़ाइन इसमें आपको काफ़ी स्पोर्टी देखने को मिलेगा विद लिफ्टेड टेल सेक्शन एंड इस बाइक में आपको ऑल न्यू अपडेटेड फेयरिंग भी मिलेंगी। इस बाइक में आपको प्रोजेक्टर हेडलाइट भी मिलेगी एंड इसमें आपको न्यू वाइजर भी मिल जाएगा। इसमें आपको रीडिज़ाइन साइड पैनल्स भी मिलेंगे एंड इस बाइक में आपको वाइडर क्लिप ऑन हैंडल बार्स भी मिल जाएंगे। फुट पैक्स इस बाइक में आपको हायर सेट पोजीशन भी मिलेंगे। फ्रंट सस्पेंशन में इस बाइक में आपको USD फोक सस्पेंशन ऑफर करे जाएंगे यामाहा की तरफ से। अगर हम यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन के फीचर्स की बात करेंगे, इसमें आपको फुली LED प्रोजेक्टर हेडलाइट के साथ ट्विन LED DRLs भी मिलेगा एंड इसमें आपको LCD डिजिटल मीटर कंसोल के साथ ब्लूटूथ कनेक्टिविटी ऑफर करी जाएगी। इस बाइक में आपको ड्यूल चैनल ABS भी मिल जाएगा। इंजन कूलिंग टेक्नोलॉजी इसमें आपको लिक्विड कूल मिलने वाली है एंड इस बाइक में आपको स्लिपर एंड असिस्ट क्लच भी मिल जाएगा। इसमें आपको LED इंडिकेटर्स के साथ LED टेल लाइट भी मिल जाएगी। अगर हम इस बाइक के सस्पेंशन की बात करेंगे, फ्रंट में इसमें आपको अपसाइड डाउन फोक सस्पेंशन मिलेंगे, रेयर में इसमें आपको मोनोशॉक देखने को मिल जाएगा। डिस्क ब्रेक का साइज फ्रंट में इसमें आपको 298 mm हाइड्रोलिक डिस्क एंड रेयर में इसमें आपको 220 mm हाइड्रोलिक डिस्क। टायर साइज इसमें आपको सेम देखने को मिलेगा फ्रंट में 110/70/17 inch एंड रेयर में इसमें आपको 140/70/17 inch एंड इसमें आपको अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर भी ऑफर करे जाएंगे। ओवरऑल ये बाइक दिखने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा है एंड इस बाइक को आप डेली राइड के लिए भी यूज़ कर पाएंगे। अगर हम यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन के स्पेसिफिकेशन की बात करेंगे, डिस्प्लेसमेंट इसमें आपको 321cc का ट्विन सिलेंडर 4-स्ट्रोक इंजन मिलेगा। पावर इसमें आपको 42 hp की मैक्सिमम पावर ये बाइक जनरेट कर देगा एंड टॉर्क इसमें आपको 28.8 Nm ऑफ टॉर्क मिलेगा। नंबर ऑफ गियर्स इसमें आपको 6-स्पीड गियर मिल जाएंगे एंड फ्यूल टैंक इसमें आपको 15 L का मिल जाएगा। सीट हाइट इस बाइक की 780 mm की होगी, तो अगर आपकी मिनिमम हाइट 5'2" है आप इस बाइक को ईजिली राइड कर लेंगे। टॉप स्पीड इसमें आपको 190 km/h के हिसाब से मिल जाएगी एंड ओवरऑल माइलेज इसमें आपको 25 km/L के हिसाब से ये बाइक जनरेट कर देगा। इस बाइक में आपको ऑल न्यू अपडेटेड लुक्स देखने को मिलेंगे एंड इसमें आपको फुल्ली लोडेड फीचर्स भी मिल जाएंगे। इस बाइक में आपको पावरफुल ब्रेक्स भी मिलेंगे एंड इसमें आपको न्यू फ्रंट फेयरिंग भी मिल जाएगा। अगर हम यामाहा R3 नेक्स्ट जनरेशन के कलर्स की बात करेंगे, इसमें आपको ब्लू कलर देखने को मिलेगा एंड इस बाइक में आपको ब्लैक कलर भी देखने को मिल जाएगा। अगर हम R3 नेक्स्ट जनरेशन के प्राइस की बात करेंगे, इस बाइक का प्राइस आपको 3,30,000 देखने को मिलेगा एंड इस बाइक का लॉन्च आपको अक्टूबर 2021 में देखने को मिल जाएगा। अभी फ़िलहाल इस बाइक की टेस्टिंग चल रही है, तो इस बाइक का लॉन्च आपको अक्टूबर के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। तो फिलहाल जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी मैंने आपसे डिस्कस की। स्टिल आपके कोई डाउट्स या कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM करो, मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के रिव्यू को हम इधर ही वाइंड अप करते हैं।